नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम ही है कि दशा अंतर दशा के ऊपर मेरे कुछ पार्ट्स चल रहे हैं, तो आज मैं ये नया पार्ट लेकर आया हूँ। तो इसमें भी मेरे ख्याल से शायद एक या दो पार्ट अभी इसके अंदर और बनेंगे, तो उसके बाद दशा अंतर दशा में कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आप लोगों को मालूम ना हो। तो अगर पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो काइंडली पहले वाले वीडियो भी देख लें, उससे आपको दशा और अंतरदशा में कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे फल को फल प्रॉमिस करते हैं, वो सब बताया गया है। आज मैं बताने आपको जा रहा हूं उससे आगे की चीजें, उसमें क्या है। पहला देखिए, पहला सिद्धांत एक है कि दशानाथ से किन किन स्थानों पर चंद्रमा गोचर में आता है तब शुभ फल करता है। मान लिया कोई भी दशानाथ है, मंगल है, बुध है या शुक्र है, वो दशानाथ है, तो हम ये भी देखते हैं कि उस दशानाथ से, दशानाथ चाहे वो महादशानाथ हो, चाहे वो अंतर दशानाथ हो या प्रत्यंतर दशानाथ हो। जब मैं दशानाथ का नाम ले रहा हूं तो आप कोई भी समझिए, चाहे महादशानाथ समझिए या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशानाथ, तो जो भी दशानाथ है, अगर दशानाथ की उच्च राशि में या दशानाथ की स्व राशि में या दशानाथ की मित्रों की राशि में, और दशानाथ जिस राशि में है उससे तीसरे पांचवे छठे सातवें नवे दसवें और ग्यारहवें, तीसरे पांचवे छठे सातवें नवे दसवें और ग्यारहवें को कैसे मतलब हुआ कि उपचय भाव 3, 6, 10, 11, त्रिकोण भाव 5 और 9 और सातवां भाव, इनमें अगर चंद्रमा आए तो आप ये समझिए कि आपको दशा का फल अच्छा मिलेगा। अच्छा, फल दीपिका में इस श्लोक की व्याख्या इसी तरीके से की गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि अगर दशानाथ की उच्च राशि में अच्छा है तो एक, दशानाथ के मित्रों की राशि में अच्छा है तो दो, दशानाथ की स्व राशि में अच्छा है तो तीन, फिर 3, 5, 6, 7, 9, 10 और 11, सात स्थान ये हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि कुल 10 स्थानों में चंद्रमा का गोचर अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए इसको ये रखा गया है कि चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि से तीसरा पांचवा छठा सातवां नवा दसवां ग्यारहवां भाव देखिए, यदि उसमें दशानाथ के चंद्रमा दशानाथ से, जब भी दशानाथ की कोई उच्च राशि हो या कोई मित्र की राशि हो या दशानाथ की कोई अपनी राशि हो, तो चंद्रमा जब वहां से गोचर करेगा तो आपको शुभ फल देगा। तो आपको ये बात समझ में आया होगा, मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूं यहाँ के, आप दशानाथ, कोई भी दशानाथ हो सकता है, उससे तीसरी छठी पांचवी सातवी नवी दसवीं और ग्यारहवीं राशि में चंद्रमा जब गोचर करेगा, और चंद्रमा गोचर करते वक्त दशानाथ की उच्च राशि में हो, दशानाथ की स्व राशि में हो या दशानाथ के मित्रों की राशि में हो, तो हमेशा अच्छा फल करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी दशानाथ का गोचर वगैरह देख रहे हैं तो आपको मालूम चलेगा कि कब कब आपको अच्छे फल भी मिलने वाले हैं। फिर दूसरा इसमें एक पॉइंट आता है कि जिस ग्रह की दशा या अंतर दशा जा रही हो, जब गोचर वश यदि अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में जाए और सूर्य के समीप होने के कारण अस्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो कष्ट देगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि मान लिया मंगल की दशा जा रही है या बुध की अंतर दशा जा रही है, दशा कोई भी हो सकती है, और वो गोचर में, वही ग्रह जिसकी दशा है गोचर में, आज का गोचर ले लीजिए, आपके आज के दिन के क्या गोचर में क्या है, अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में जा रहा हो, जिसकी दशा है, अगर वही ग्रह गोचर में, जन्मकालीन कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, गोचर कुंडली की बात कर रहे हैं, तो जो ग्रह की दशा चल रही है, सपोज मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल अगर अपनी नीच राशि में कर्क राशि में गोचर कर रहा है या शत्रु राशि में जा रहा है, शत्रु राशि कौन सी राशि है उसकी, शनि की राशि सारी शत्रु राशि उसकी हुई, तो शनि की राशि मतलब मकर में जा रहा है, और या आपका कुंभ में जा रहा है, तो अगर वो शत्रु राशि में जा रहा है या अपने नीच राशि में जा रहा है तो क्या होगा, तो सूर्य के समीप होने के कारण अगर अस्त हो गया या गोचर में उसके साथ सूर्य आ गया और सूर्य ने उसको अस्त कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो दशा का कष्ट, दशानाथ जो है वो आपको अपनी दशा में कष्ट देगा। रिपीट, दशानाथ जिसकी दशा चल रही है,
यदि गोचर में अपनी नीच राशि में जा रहा है या अपनी शत्रु राशि में जा रहा है या सूर्य के समीप होने के कारण सूर्य साथ आ जाए गोचर में उसके साथ ही और सूर्य उसको अस्त कर दे, तो ऐसी स्थिति में जब भी वो दशा के फल मिलेंगे तो वो कष्टकारक फल मिलेंगे। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली इसमें होती है। फिर इसी के अंदर आपका आता है कि जिस ग्रह की दशा या अंतरदशा हो, किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आप ले सकते हैं, और वो गोचरवश अपनी स्व राशि में जा रहा है, गोचरवश वो अपनी राशि में जा रहा है या वक्र हो जाता है, तो उस समय वो अच्छा फल देता है। वक्र होने से क्या होता है कि वक्र होने से ग्रह का गोचर चेष्टा फल बढ़ जाता है, तो चेष्टा फल बढ़ने से उसका बल बढ़ जाता है ग्रह का, तो वो अच्छा फल देना शुरू कर देता है। तो ये भी मतलब इसमें सिद्धांत बेसिकली आप ये लगा के चलिए कि जो भी दशानाथ अंतर दशानाथ है, जब भी वो अपनी स्व राशि से, उच्च राशि से या अपने मित्र की राशि से गोचर करेंगे, तो लग्न से गोचर करेंगे तो अपनी दशा में अच्छा फल देंगे। और वही दशानाथ या अंतरदशानाथ जब अपनी नीच की राशि से, अपनी शत्रु राशि से या सूर्य के साथ सप्तम अस्त होने के बाद गोचर करेंगे, तो वो अपना फल कष्टकारक होंगे। फिर यही है कि जिस ग्रह की दशा चल रही हो, वो गोचर वर्ष अगर अपनी स्व राशि में हो और उसी वक्त वो वक्री भी हो जाए, तो वो फल अपना बहुत अच्छा देता है। ये इसमें एक बात हो गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि ग्रह का शुभ फल मिलेगा कब? तो देखिए, यदि कोई भी ग्रह शुभ फल देने वाला है और उसकी दशा अंतर दशा चल रही है, तो उसका शुभ फल कब मिलेगा ये डिसाइड करने वाली बात है। तो उसका शुभ फल जब होगा जब उस दशानाथ या अंतर दशानाथ की उच्च राशि में गोचरवश सूर्य आ जाए या बृहस्पति आ जाए। एक बार सब फिर समझिए कि किस मंगल की माल्या दशा चल रही है, तो मंगल की दशा का आपको शुभ फल कब मिलेगा? मंगल की दशा है या मंगल की अंतर दशा है, क्योंकि रिजल्ट ज्यादातर अंतर दशा के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो अंतर दशा आप ला के देखिए कभी भी, तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में आपके किस ग्रह की अंतर दशा चल रही है। तो उस ग्रह की अंतर दशा आपने नोट कर लिया कि आपकी ग्रह कुंडली में मंगल की अंतर दशा चल रही है, अब उसका शुभ फल कब मिलेगा ये आप देखना चाहते हो। तो शुभ फल जब मिलेगा जब मंगल की उच्च राशि में गोचर में सूर्य आ जाए या बृहस्पति आ जाए, तो आपको इसका शुभ फल मिलेगा कुंडली का। तो ये एक चीज बहुत इसमें ध्यान देने वाली है। इसके बाद जो इसके अंदर नियम आता है कि आप ये समझिए कि कोण का स्वामी केंद्र में हो, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो, अपनी कुंडली देखिए उसमें देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो। तो अगर ऐसा है तो वो बहुत योग देने वाले होते हैं, उनमें से एक ही दशा हो और दूसरे की अंतर दशा हो तो बहुत शुभ फल होता है। अब जैसे आप देखिए इस कुंडली में सूर्य त्रिकोण का मालिक है, 5 नंबर, लेकिन बैठा केंद्र में जाके है। इसी प्रकार से शुक्र केंद्र का स्वामी है, बैठा त्रिकोण में जाकर है। तो जब भी सूर्य की दशा और शुक्र की अंतर दशा वगैरह होगी, यानी या शुक्र की दशा और सूर्य की अंतर दशा होगी, तो हमेशा शुभ फल मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिए कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठे और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठे, तो उनकी दशा अंतर दशा में अच्छा फल मिलता है। फिर इसके बाद एक सिद्धांत और आता है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी चाहे स्वयं दोष युक्त भी क्यों ना हो, परस्पर संबंधी बलि सन से बलि होने पर योग कारक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोण का स्वामी, मान लिया एक ऐसा त्रिकोण ग्रह है जो त्रिकोण का स्वामी भी है और साथ में वो छठे और आठवें भाव के स्वामी भी है, उसकी दूसरी राशि छठे भाव में है या आठवें भाव में है या बारहवें भाव में है। जैसे आप मेष लग्न कुंडली में ही ले लीजिए, मेष लग्न कुंडली में बृहस्पति, इस कुंडली के अंदर बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है और साथ में है उसकी दूसरी राशि बारहवें भाव में आती है, तो ये दोष युक्त कहलाता है क्योंकि इसको दोष लग गया बारहवें भाव का बृहस्पति को। इसी प्रकार शनि यहाँ पर केंद्र का स्वामी है और शनि की एक राशि ग्यारहवें भाव में है। देखा जाए तो ग्यारहवें भाव को भी अशुभ भाव बोलते हैं, वो बात दूसरी है कि ग्यारहवें भाव में जाने से फल में वृद्धि होती है, लेकिन वैसे इसको त्रिष्टाय भाव को 3, 6, 11 भाव को अशुभ भाव ही बोला गया है। तो ये भी दोषयुक्त शनि हो गया, यानी शनि की एक राशि केंद्र में
एक राशि उसकी 11वें भाव में, तो ये भी दोषयुक्त शनि हो गया। अब ये शनि और बृहस्पति, जो दोषयुक्त बृहस्पति है, दोनों अगर कहीं साथ बैठ गए या दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब दोनों में आपस में संबंध बन गया, तो एक ही दशा में दूसरे की अंतर दशा में दोनों बहुत अच्छा फल देंगे। इसको ध्यान से समझिए कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर वो दोष युक्त भी क्यों ना हो, दोष युक्त मीन्स कि उनकी एक राशि अशुभ भाव में भले ही क्यों ना हो, तो भी अगर उनमें संबंध बनता है, संबंध होना चार प्रकार का संबंध होता है, क्षेत्र परिवर्तन संबंध होता है, दृष्टि संबंध होता है, युति संबंध होता है, कि वो साथ बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों, तो एक ही दशा में दूसरे की अंतर दशा में बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो कुछ फॉर्म, कुछ मैंने आपको सिद्धांत बताए हैं, उससे आगे सिद्धांत मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपको ये सिद्धांत समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो इसको पढ़िए। और मैं आपसे यही कहूंगा बार बार कि अच्छी किताब पढ़िए, बृहत पाराशर होरा शास्त्र पढ़िए, फल दीपिका पढ़िए, आपको हर चीज का जवाब उसके अंदर मिलेगा, हमारे सारे क्वेश्चंस का जवाब उसके अंदर मिलेगा। धन्यवाद। जय कृष्ण।